नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैनफोर्स टैबलेट और मैनफोर्स जेल दोनों में क्या अंतर है, किसका कब इस्तेमाल करने पर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि किसका क्या यूज है और गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें उतना फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कब किसका इस्तेमाल करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैनफोर्स टैबलेट और मैनफोर्स जेल के अंतर की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैनफोर्स टैबलेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं, लेकिन मैनफोर्स जेल काफ़ी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोनों में मुख्य अंतर है कि जहाँ मैनफोर्स टैबलेट प्राइवेट पार्ट में रक्त संचार को तेज करता है, वहीं मैनफोर्स जेल रक्त संचार को धीमा करता है। एक प्रकार से मैनफोर्स टैबलेट प्राइवेट पार्ट को रक्त संचार को तेज करके उसमें तनाव लाता है, वहीं मैनफोर्स जेल रक्त संचार को धीमा करके उसमें टाइम बढ़ाता है। जबकि अधिकतर लोग मैनफोर्स टैबलेट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह समय बढ़ाता है, जबकि यह एकदम गलत है। मैनफोर्स टैबलेट सिर्फ प्राइवेट पार्ट में तनाव लाता है, इसका समय से कोई मतलब नहीं है, जबकि मैनफोर्स जेल टाइम बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इससे प्राइवेट पार्ट में कोई तनाव से मतलब नहीं होता। तो यही दोनों में मुख्य अंतर है। अब बात करें दोनों में किसका कब इस्तेमाल करने पर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपका एज ज़्यादा है, आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैनफोर्स टैबलेट ही है। लेकिन अगर आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव आता है और आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैनफोर्स स्टे लॉन्ग जेल है। अधिकतर लोग कहे तो युवा लड़के जिन्हें प्राइवेट पार्ट में तनाव तो आता है, फिर भी वो मैनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे टाइम बढ़ता है, लेकिन इससे टाइम का कोई मतलब नहीं होता है और वो मैनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम का कोई मतलब नहीं रहता मैनफोर्स टैबलेट को, इसके लिए मैनफोर्स जेल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जिनके प्राइवेट पार्ट में अगर तनाव आ रहा है, तो उनके लिए मैनफोर्स जेल एक नंबर रहेगा, उन्हें साथ ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर मैनफोर्स जेल का उपयोग करेंगे। अगर जिनके प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैनफोर्स टैबलेट एक नंबर रहेगा फायदा करने के लिए। तो आप दोनों अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा आपको प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप दोनों का इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक बात और, दोनों का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि यह ऐसी मेडिसिन है जिसका डॉक्टर के बिना सलाह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।